खत्म हो चुका है, मैं पहले ड्रेस चेंज कर लूँ, ऐसे गरीब जैसा मैं दिख रहा हूँ, व्लॉग मोड में आ जाता हूँ। यो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनप्लग इंजीनियर, और सच में वेलकम बैक, बिकॉज बहुत दिन के बाद हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। आज है फ्राइडे। इस व्लॉग में सबसे पहले प्रतीक का काम खत्म नहीं हुआ है, मैं अपना काम खत्म करके अभी जस्ट आया हूँ उसके फ्लैट पे, बट एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन की शुरुआत होने वाली है, बिकॉज प्रतीक अपना वन ऑफ द मेजर बकेट लिस्ट को चेक करने वाला है। वो बकेट लिस्ट क्या है प्रतीक, तुम खुद से बता दो। कल मैं दर्द ब्लॉग बनाने के लिए हाथ में थोड़ा छेद करवा रहा हूँ। यस, तो प्रतीक अपने हाथ में छेद करवा रहा है, यानी कि प्रतीक टैटू करवा रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट को सर्च किया, जिसमें से डेविल्स मिला था, तो डेविल्स का प्रतीक ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग 26 है उसका, लेकिन मेरा रैंकिंग 26 नहीं है ना वर्ल्ड, तो मैं उस टैटू आर्टिस्ट का ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग 26 था, तो उसके चार्जेस भी 26 रैंक वाले थे। तो हम लोग जा रहे हैं इंक बॉय स्टूडियो जो कि दिल्ली लाजपत नगर में, और प्रतीक वहां पर टैटू बनाने वाला है। बट इस व्लॉग में टैटू के पहले के मोमेंट की तैयारी को देखते हैं क्या होता है, एंड फ्राइडे को आफ्टर वर्क हमारा क्या शेड्यूल होता है, हम लोग क्या करते हैं वो इस व्लॉग में देखते हैं। सबसे पहले प्रतीक काम खत्म हो जाए यार, सुबह जैसा कोड़ी है, हम रेडी हैं, लोग चलेंगे खेलने तो चलते हैं, कुछ रेडी नहीं है, सुबह जैसा कोड़ी फट जा रहा है। एक्चुअली मेरा भी कोड आज फट गया था, बट हम लोगों ने चार पांच लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया, बट बेचारा प्रतीक यहाँ पर अकेले। आज ये बोला था कि आज ये 2 बजे ही लॉग आउट कर देगा, बट अभी बज रहे हैं 8:30। इसका कोड ऐसा फटा है कि समझ ही नहीं आ रहा सॉल्यूशन क्या है। तो फ्राइडे को वर्कलोड अपने आप जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज सब सोचते हैं कि मंडे को बहुत सारी चीज प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना होता है, और सैटरडे संडे तो लीव ही होता है, तो अपने आप फ्राइडे का फीवर थोड़ा सा हाई होता है, बहुत काम होता है। जनरली हम लोग 7 बजे लॉग आउट कर देते हैं, बट अभी 8:30 बज रहे हैं, मैंने भी अभी लॉग आउट जस्ट करा, एंड प्रतीक अब तक खत्म नहीं हुआ है, हमें जाना है अभी बैडमिंटन खेलने, बट उसके पहले प्रतीक को आने तो फिर बताता हूँ खेलने और कहा। सो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। सबसे पहले हम लोग काम खत्म करने का अपना वेट करते हैं, एंड जैसे ही काम खत्म होता है हम जाते हैं रैकेट लेके बैडमिंटन कोर्ट में, जहाँ प्रतीक हर मैच हारता है। ओ प्लीज रिकॉर्ड करके दिखा दो पब्लिक को कौन हारता है। अरे देवांशु लेकिन अच्छा खेलता है, ऑब्वियसली सबको पता है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है यार। ओह माय गॉड। तो खैर प्रतीक का फिलहाल टेंशन अब तक खत्म नहीं हो रहा है, दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूँ कहाँ है गलती हो गया है यार, कल बेकार हो जाएगा ऐसे कर। कल जो है टैटू करवाना है, वीकेंड भी है, एंजॉय करना है, एंड अगर कोड फिक्स नहीं हुआ कल हाथ दर्द देगा, तो मेरे को बफर भी चाहिए, कितना देर हाथ दर्द के लिए देना है, कितना देर कोड लिखना है। अभी कोड फटा है, कल प्रतीक का फटेगा वरना। कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट करता है कोड की प्रतीक का? यार टैटू करवाने से दर्द तो करता होगा, लेकिन हाथ पता है ना, तो लोगों को फीवर भी मेरे को लग रहा है कि हम सह लेंगे, कल सह पाता है कि नहीं वो तो पता चलेगा ना। और ये पता है कि नहीं, जिस हाथ में टैटू करवाएगा वो हाथ तो 10 दिन तक यूज नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे क्या? गजब आदमी है यार, ये क्या लॉजिक है। कौन से हाथ में करवाया ये तो बता। राइट नहीं करवा रहा है, चलो अच्छा है, लेफ्ट नहीं करवा रहा है, वरना दो ही पाते। हमारा एक कोर्ट इधर है, आज यहाँ पर लोग बहुत कम है, 3-4 कोर्ट है सोसाइटी में। कौन से में जाएंगे प्रतीक? कल जीते थे तो उसी में जाएंगे। कहीं वो ना आ जाए तुमको, जो मना करता है तुमको कि पीछे नहीं देखना जब तक हम खेल रहे हैं। यार लड़का है वो, बोलता है उसके साथ टीम में खेले तो पीछे मेरे साथ खेल रहा है भाई, पीछे मुड़ के मत देखना। एक बार पीछे मुड़ गया था गलती से, तो कौन से इतना जोर से मारा गाल पे, उसके साथ मैंने खेलना ही बंद कर दिया। हाँ जीत तो लगा रहता है, अच्छा बंदा है, तो अपना बाल वाल बढ़ा रहा है, लुक चेंज कर रहा है। अरे यार बाल बढ़ नहीं रहा, जितना चाहिए उतना हो नहीं रहा, तो हम कैसे चूतिया। प्रतीक चाहता है तेरे नाम वाला लुक, चाहिए जॉनी डेप वाला, के लिए वो वाली वाइफ भी चाहिए जो बेड पे पॉटी कर दे। My dog stepped on a bee. ये है हमारा कोर्ट, यहाँ पर हम खेलते हैं, यहाँ पर माहौल बना हुआ है। प्रतीक हारने के लिए तैयार हो तुम? हाँ ना, आज तो हारने का मूड में नहीं है, लेकिन कोई ठीक नहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। बादल मैं प्रतीक भैया को अच्छे से जानता हूँ, उनका रिएक्शन सब बता सकते हैं कि उनको पसंद नहीं आ रहा गेम। और क्या बात है प्रतीक भैया, हफ्ते में स्कोर अब 6-12 इज द स्कोर नाउ, अपेरेंटली ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हमारे समझ में नहीं आ रहा है आज क्यों रहते हैं वो, हारता है बहुत। दैट गाइस रनिंग, वो डेली हारता है। हाँ वो डेली हारते हैं, उनको आदत हो गई है अभी हारने की। हेलो गाइस, आई एम द कमेंटेटर, दैट इज एनोनिमस गाय। चलो और हमारे मेन कार्यकर्ता गेम के मजे लेते हुए 8-17 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो गाइस अभी 10:30 बज रहे हैं, हम लोग खेल के लौट रहे हैं अभी। एंड प्रतीक का मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ दिख रहा है आज, बिकॉज गेम भी अच्छा नहीं हुआ एंड उससे ज्यादा खराब गेम तो खैर कोड फटा हुआ है। प्रतीक को जागना पड़ेगा, भगवान उठा ले, वरना कल का टैटू थोड़ा सा वीकेंड मजा खराब हो जाता है ऐसा फालतू जीवन से। तुम आ नहीं चलते क्या, आके दबा दिया था? ऐसे तो हम लोग इतना ज्यादा लेट नहीं करते हैं, 10:15 तक लौट जाते हैं बिकॉज थक जाने के बाद काम करने के वापस सुबह उठ के काम करना होता है। लेकिन आज फ्राइडे है, कल वीकेंड है, तो वीकेंड के लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खेल लेते हैं। 10:30 अभी 11 बजने वाले हैं लगभग। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह 9:40 हो रहे हैं, 10 बजे हमें टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंचना था, हमें सारी तरह लेट है, अब जल्दी से जा रहे हैं। तो पहले मैं ब्रश कर रहा हूँ, जल्दी से जाते हैं और प्रतीक की फटते हुए देखते हैं, मजा आएगा। तो ये है मेरा सेक्सी सा ब्रेकफास्ट रेडी, ब्रेड पीनट बटर बॉर्नविटा दूध की शक्ति बढ़ाए जीत की तैयारी एंड अमेजिंग व्यू। वीकेंड का एक अलग ही खुशी देखने को मिलता है यार समाज में, मतलब सुबह उठो आसपास देखो लगता है कि वीकेंड है दुनिया में, और ये बच्चे अच्छे हटते हुए। लेट मी एंजॉय माय ब्रेकफास्ट। बे यार सुंदर था ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था, ऑफिस का कॉल आ गया। सैटरडे वैटरडे को ऑफिस का कॉल आता है ना, मुझे कुछ देर के लिए लॉग इन करना पड़ेगा शायद, छोटा सा काम है। तो कुछ ही देर बचे हैं तुम्हारे हाथ को छल्ली होने में। मैं आयरन कर ले रहे हैं। अब तो अपने कोट का बताओ, कोट ठीक हो गया ना? कोट तो ठीक हो गया यार, इंसान को पैनिक नहीं करना चाहिए। गलती क्या था? गलती इतना चूतिया था कि कुछ और वेरिएबल में कुछ और असाइन कर दे रहा और पता ही नहीं चल रहा। तो पहले मैं ब्लैक पहनने वाला था, बट मैं देखा कि प्रतीक जो है टैटू कर रहा है, तो प्रतीक के सपोर्ट में मैंने ब्लू पहन लिया डेनिम प्रतीक की तरह। एंड मेरे पेरेंट्स को जान के बहुत ही खुशी होगा कि टैटू मैं नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज पर्सनल रीजन से टैटू मैं बाद में करवाऊंगा। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो तुम्हें पता होगा कोड फटना बहुत ही कॉमन इशू है। जब हम लोग वीकेंड और रात रात जागते हैं, जब कोड फटता है तभी जागते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, बट मेरा फिक्स हो गया। बट प्रतीक को कल रात के 2 बज गए एंड अभी प्रतीक को हाथ छल्ली करने के लिए हम लोग जाने वाले। प्रतीक अपने कपड़ों पर आयरन कर रहा है, खून खून हो जाएगा बे, व्हाइट व्हाइट क्या, व्हाइट शर्ट में ही खून लगने का मजा है, क्या पता चलेगा रेड शर्ट में, क्या पता चलेगा खून निकला कि नहीं निकला, व्हाइट शर्ट में खून दिखाओ। टैटू के मामले में हम लोग एकदम नूब है, कुछ नहीं पता टैटू में क्या होता है, दर्द होता है क्या होता है, कुछ नहीं होता। लाइट खुद से पहले बोला था पेन किलर ले लेते हैं पहले से, दर्द नहीं होगा। तो देखते हैं टैटू में क्या सीन होता है। अभी होता था ना कि गुदवाना बोलते हैं, नहीं गुदवाना ही होता था। फिलहाल हम लोग ट्यूनिंग करते हुए जा रहे हैं। प्रतीक आर यू रेडी? चलो फिर निकलते हैं। वीडियो को पूरा देखो, टैटू अगर देखना है तो एंड में ही मिलेगा ऑब्वियसली, इतना तो क्लिकबेट करना पड़ेगा भाई। एलेक्सा टर्न ऑफ द स्मार्ट लाइट। थैंक यू।